बिछणा को जीवा मात्रे केवल 5 मिनिटे आपनकु निद आसी जीवो सेथि पई मु आपनकु एको चमत्कारी घरे उपचार बनेबा सिखाउची जेउ मानकु निद आसुनाही बा इन्सोमनिया भली समस्या अछि सेमनक पई एही रेमेडी रामबाण होइथाय केवल थरे आपण एही उपाय को ट्राई करी देखंतु आपनकर जेउ निद न आसीबा बा अनिद्रा रोग भली समस्या अछि ताहा मूलरु शेष होइ जीवो प्रथम दिन रु आपनकु एथिरो फायदा देखबाकु मिलिबो केवल 5 मिनिटे आपनकु निद आसी जीवो तबे चलंतु जानिबा आजिरो एही रेमेडी को आमे केमिति बनेबा एवं एहार प्रयोग किपरि करिबा किंतु ता पूर्व मु आपन मन को रखबि जदि आपन माने जे हम चैनल को सब्सक्राइब कर नाथि तबे तळे थिबा सब्सक्राइब बटन उपर क्लिक करै हम चैनल को सब्सक्राइब कर नियंतु एवं पाखते नोटिफिकेशन बेल उपर निहाते क्लिक करंतु या द्वारा आमे जो नूतन वीडियो अपलोड करबु ता नोटिफिकेशन आपन माने प्रथम पाइ परिबे एवं हम चैनल माध्यम रो बहु किछि सिखणय जिंस आपन माने सिखिबा को पाइबे निद आसिया पई आजि मु आपन को दुईटी रेमेडी बनेबा सिखैबि सेथिपाई भिडियोटी को शेष जाए निहाति देखंतु प्रथम रेमेडीटी को बनैपाई आपंक केवल गोटे मंजीर आवश्यकता पड़ो ताटे फुटी काकुड़ी मंजी बा जहाँ को इंग्राजी में आम मस्कमेलन सीड्स कही था जदि आपण फुटी काकुड़ी मंजी ना तेब तरभुज मंजीर ए प्रयोग करें यह दुईट मंजी मध्य कौन गोटे मंजीर प्रयोग आपंपे आज रेमेडी को बनैपाई मुठार फुटी काकुड़ी मंजी बा मस्कमेलन मंजीर प्रयोग करूँगी एही मंजी आपनको कोनोसी भी ग्रोसरी दुकान किबा पुटुली बणिया दुकान रो बहुत सहज रे मिलि जिवो जदि न मिले तेबे डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक दे रखी छी आपन चाहेले एहाको ऑनलाइन रु किनि परिबे एही मंजी रे एमिति अनेक प्रकार रो पोषक तत्व मिलि थाए जहार सेवन द्वारा आम मस्तिष्क रो स्ट्रेस लेवल कम हो जाए मस्तिष्क रो ब्लड सर्कुलेशन को बढ़े दिए यह आपनको मस्तिष्क को शांत रखी थाए जो हार्मोन्स निद आने लाभदायक अटे ताहाकु एहा एक्टिव करि दिए सेथिपाई एही मंजी आपनको बहुत भलो निद देबारे साहाज्य करिथाय एबे जानिबा एहाकु आमे केमिति बनेबा आपण अल्प मस्कमेलन सीड्स नै ताहाकु फ्राई करंतु जदि आपण घिओ खांती तबे एक चमच घिओ रे मध्ये एहाकु फ्राई करि परिबे नहले आपण एहाकु एही परि ड्राई रोस्ट करि परिबे लो फ्लेम रे आपण एहाकु केवल 2 मिनिट पर्यंत भाजि नियंतु एहा भलो भाबरे फ्राई होइगले देखिबे एहा फुली जिवो एवं एहार रंग मध्ये अल्प बदलि जिवो तबे आपण एहाकु गैस रु काढि हेणु बस अल्प आपण एहाकु फ्राई करंतु एमिती करबा द्वारा प्रथमतः एहा खराब होइ नथाय एवं द्वितीय रे एहा खाइबाकु टेस्टी लागिथाय एहाकु आपण फ्राई कला परे भलो भाबे ठंडा हेबाकु दियंतु तापरे आपण एहाकु स्टोर करी रखि पारिबे प्रतिदिन आपण एहाकु राती रे खाद्य खाइबा परे बा बिछणाकु जिबा पूर्वरु एथिरु एक चमच नै सेवन करंतु एक चमच आपण एही भाजी रखिथिबा मंजी को नियंतु एकासाथी रे सब मंजी को खांतु नाही अल्प अल्प करि एक चमच मंजी को भलो से चोबेई खांतु तेबे एही प्रकार रे प्रतिदिन राती रे एही मंजी रु एक चमच नै आपण चोबेई खांतु एहाकु आपण 10 दिन पर्यंत कंटिन्यू खांतु जदि आपणकु एथिरो फायदा देखिबाकु मिले तेबे आपण आउ किछि दिन एहाकु कंटिन्यू करि परिबे जेमानकर बीपी लो रही थाए सेमाने एहर सेवन करंतु नाही सेथिपाय आपण आउ एक रेमेडी ट्राई करि परिबे बहुत थर टेंशन कारण मुंड बहुत अधिक पिंधि थाए मुंड भारी रही थाए एवं आपणकु निद ठीक से आसी नथाए सेथिपाय आपण एही रेमेडी को ट्राई करि परिबे दुईटी रेमेडी को आपण एकासाथिरे मध्य प्रयोग करि परिबे द्वितीय रेमेडीटी को बनिया पय आपणकु चंदन पाउडर आवश्यकता पड़िबो चंदन पाउडर आम मस्तिष्क को शांत रखि थाए शीतलता एवं थंडा प्रदान करि थाए जदि आपण एहार प्रयोग करिबे तेबे प्रथम दिन रु आपणकु एथिरु फायदा देखिबाकु मिलिबो एथिपाय आपण अधा चमच चंदन पाउडर नियंतु एवं सेथिरे अल्प पानी दे 10 मिनिट पर्यंत सेमिति रहिबाकु दियंतु तापरे आपण एहाकु भलो भाबे मिक्स करी एहार प्रयोग करंतु आपण चाहेले चंदन काठ को चंदन पेड़ी रे घसी मध्य सेही चंदन रो प्रयोग करी परिबे रात्रि सोइबा पूर्वरो आपण एहाकु निज कपाळा रे भलो भाबे लेप दियंतु देखिबे आपणकु एथिरु इंस्टेंट रिजल्ट देखिबाकु मिलिबो आपणक स्ट्रेस कमी जिवो एवं आपणकु 5 मिनिट भितरे सुख निद्रा आसी जिवो एहाकु आपण राती सारा कपाळा रे लगेई सोई परिबे बा 1-2 घंटा परे आपण एहाकु नॉर्मल पानी रे धोई परिबे दुईटी जाक रेमेडी को आपण 10 दिन पर्यंत प्रयोग करी देखंतु राती रे सोइबा समय रे आपण एहाकु ट्राई करंतु जदि आपणकु एथिरो फायदा देखिबाकु मिले तेबे आपण एहाकु आउ किछि दिन पर्यंत कंटिन्यू करी परिबे तेबे आशा करछि आजिरो एही सुंदर भिडियोटी आपनकु निहाती भल लागिथिबो जदि आजिरो एही भिडियोटी आपनकु टिके भल लागथे तेबे बडे लाइक करंतु एवं एमित बका भिडियो देखा पय हमर चैनल को सब्सक्राइब करंतु तेबे बंधुगण आज पय एंति कि पूर्ण देखाबो को नूतन सुंदर अध्याय सह धन्यवाद।